देखिए, यह स्थापित बात है, सब अनुभव कर सकते हैं कि कोई ग्रुप है तो आपस के प्रतिस्पर्धा के भाव को हटाना बहुत कठिन होता है। हम लोग एक साथ बैठ जाते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन सुख पूर्वक एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, रमण नहीं करते। रमण का अर्थ होता है कि आनंद पूर्वक जिस कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो मिथह रति, आपस में रमना चाहिए, एक दूसरे से रम जाना चाहिए। भाई ये कैसे होगा? फिर चक्रवर्ती पाद जी स्पष्ट लिखे हैं कि कथाम अवलंब्य, मन में तो कभी कभी इच्छा होती है लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है, होड़ लग जाती है। लेकिन यदि कथा का अवलंबन लेते हैं तो वह सहारा मिल जाता है, क्योंकि पावनम भगवत जस, भाई जो भी प्रतिस्पर्धा की भावना है, होड़ की भावना है, तो उसके पीछे चित्त का अशुद्धि ही कारण है ना। चित्त अशुद्ध है तभी तो भावना आ रही है। तो यदि भगवान के कथा का अवलंबन करेंगे तो संभव हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपस में रमना सीखना चाहिए। और मिथह तुष्टि, रमने का अर्थ है कि आप साथ में बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और सुखपूर्वक। कभी कभी तो हम लोग एक साथ बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन पहले से तैयारी करके जाते हैं कि उसके बात को काट देना है, ऐसे बोलना है, तो इसको रमण नहीं कहा जाएगा। और मिथह तुष्टि, रमण का अर्थ है कि सुखपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन उससे भी एक डिग्री अधिक आनंद मिले तो उसको कहा जाएगा तुष्टि, संतोष। और यह संभव तभी है जब परस्परानुकथनम पावनम भगवत जस, ये जो भगवान की कथा है तो यह पवित्र करने वाला है। भगवान परम पवित्र हैं और भगवान से जो भी रिलेटेड चीज है और उसके संपर्क में हम आएंगे तो पवित्र होंगे। लेकिन पवित्र करने वाले एजेंसी में सबसे श्रेष्ठ है भगवान का जस।